हेलो जी, सुबह के 4:45 का टाइम है। इस समय हम रोइंग टाउन में है, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ये हेडक्वार्टर टाउन है। मैंने होमस्टे ओनर को बोला था कि सुबह ना मुझे आप 5:45 कप चाय दे देना, मतलब चाय की ना एडिक्शन है। तो कहते कोई टेंशन नहीं है, मैं 5 ना दूध लेने के लिए जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा, आपको चाय बना दूंगा। तो मेरे को मिले बाहर तो कहते कि चलो दूध लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे इस समय ना 4:45 का टाइम है, तो मेरे को मेरी नींद खुली, मैं थोड़ा बाहर आया और बाहर ही दिख गए, इन्होंने गाड़ी बाहर ही निकाल ली है। सही है, मेरे को लग रहा था दूध लेने कहीं पैदल जाएंगे, गाड़ी में जा रहे हैं, चलो साथ में चलता हूँ। मैंने अक्सर एक सवाल काफ़ी लोगों से पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश की टॉप 4 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस कौन सी हैं? हाँ, अनिनी, मेचुका, तावांग, बोमडिला, ये आता है सर। फैंटास्टिक। और जहां पर सनराइज होता है? किवीटू। हाँ सर, इज दैट अमंग द टॉप 4? डोंग वैली, जहां पे आपका सबसे फर्स्ट सनराइज इंडिया का निकलता है, तो उसको आप टॉप 4 में लोगे? हाँ सर, वो भी सुंदर है, पर वही कि अभी जो जो टूरिस्ट लोग वहां पे आते थे ना, वहाँ का जो एक सुंदरता था, वहाँ में टूरिस्ट लोग क्या किया, कैंप करके उसका जो एक ब्यूटी होता था ना, ग्रीनरी करके, तो वो जो पूरा गायब हो। वैसे ये बात सुनकर ना बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी खूबसूरत जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो गई। ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और कलेक्टिव भी है कि हम हर टूरिस्ट स्पॉट को साफ सुथरा रखने में गवर्नमेंट के साथ सहयोग दें। तो यहाँ पर वैसे मिल्क क्या रेट मिलता है? 70 रुपीज लीटर। कितना टोटल गाय है भैया आपके पास? 14 गाय है। आप कहाँ के वैसे रहने वाले हो? आसाम से। ये काम भी बहुत बढ़िया, देखो गाय रखी है। कोई ऐसा बोल रहा था कि अगर गूगल मैप्स में आपको 5 hours दिखा रहा है यहाँ से ट्रेवल टाइम रोइंग से अनिनी तक का, तो एक्चुअली में 5 नहीं है, वो 8-10 hours है। जी सर। तो आपके हिसाब से क्या लग जाएंगे 8-10 hours? नहीं सर, इतना तो नहीं लगेगा, 6, क्योंकि हम खुद अपना गाड़ी से गया है ना सर। हाँ, तो 6-7 hours में आप पहुंच जाओगे वहाँ। इंक्लूडिंग हॉल्ट्स और नो हॉल्ट्स? हॉल्ट्स मिला के। कल हम जब चौखम से यहाँ तक आ रहे थे ना, तो मैंने देखा था रोड बहुत बढ़िया थी, एक्सेलेंट हाईवे, और अभी रोइंग टाउन की रोड देख रहा हूँ, ये भी काफी अच्छी है। हमें आगे सुना है रास्ता थोड़ा खराब मिलेगा यहाँ से अनिनी। हाँ सर, आपको थोड़ा सा खराब मिलेगा, पर ज्यादातर अच्छा रास्ता है वहाँ ना। वैसे तो हम सब जानते ही हैं सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। अब दिल्ली में देखिए सनराइज़ हो रहा है 6, मुंबई में 6:30, और जहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं लोअर दिबांग वैली, यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है, मैंने बताया ना आपको, 4:45। इंटरेस्टिंग। मीतो से थोड़ा सा ये जानते हैं कि यहाँ पर लोकल घूमने को क्या क्या है, रोइंग और सराउंडिंग एरिया में घूमने को क्या क्या है? सर, आपका दामबुक है जिसमें ऑरेंज फेस्टिवल मनाते हैं, और ये सैली लेक है। कहाँ पर है सैली लेक? सैली लेक यहाँ से 10 की दूरी पे है, और मेहो लेक है। मेहो लेक यहाँ से 4 hours का ट्रेकिंग रहता है, एंड उसके यहाँ से गोल्डन पकोड़ा जाता है नामसाई, उसके यहाँ से तेजू जाता है 1, फिर यहाँ से जाता है परशुराम कुंड जाता है 3। हम गए थे कल। कल गए थे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। हाँ, जगह तो बहुत सुंदर है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज के बारे में बताओ, आप किस ट्राइब को बिलोंग करते हो? हम इदुमिश्मी। इदुमिश्मी। हाँ। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर 26 मेजर ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स अलग हैं और सबकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा अलग है, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, इज दैट ट्रू? यस, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं और प्रोनाउंसिएशन भी बहुत, डाइवर्सिटी बहुत हाई है। स्काई का कलर अमेजिंग है, क्लाउड्स, ऐसा रोज रहता है? जी सर, आपको शाम को फिर मूनलाइट भी देखने को मिलेगा, स्टार्स, मूनलाइट। कल जब हम आ रहे थे ना, तो मैंने रास्ते में देखा था बड़े अच्छे स्टार्स लग रहे थे, मेरा मन था रात के समय ना 11-12 जब सब डार्क हो जाएगा कहीं पे हम स्टार गेजिंग करेंगे, रात को इतना थक गए थे मैं भूल ही गया बट स्टार गेजिंग होता है अच्छे से। हाँ सर, आप सुबह उठने से तो आपको यहाँ से सनराइज भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब ना चाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग रेडी होते हैं, क्योंकि बातों बातों में ना 5:30 के करीब का टाइम हो गया, और हम लोग का ड्राइवर बोल रहा था कि आप 6:00 निकल जाना, आप 6:00 तो नहीं जा पाएंगे बट मे बी बाई 6:30 विल ट्राई टू लीव। तो एक अपना आप हमें चाय दे दीजिएगा। टाइम कैसे निकल जाता पता नहीं चलता,
7 बज चुके हैं, सुबह 4 बजे का मैं उठा हूँ, सोचो 3 घंटे लगे अभी तक निकल नहीं पाए यहाँ से। इसे पता लगता ना हम कितने स्लो है। नाश्ते में परांठे खा रहे हैं आलू की सब्जी के साथ, आलू के साथ इन्होंने शायद ना छोले भी डाले हैं इसमें, ऐसा लग रहा है मुझको। हाँ काले चने हैं ना इस साथ में, कड़ी पत्ते के साथ, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आमतौर पे इस तरह का स्वाद आलू की सब्जी का नहीं होता। अब क्या है, जैसे मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि हर किसी का बनाने का स्टाइल अलग है। अब इनका ये आलू की सब्जी बनाने का स्टाइल है जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें ना कुछ कुछ ऐसा फीलिंग आती है जैसे आप सांभर जैसा कुछ टेस्ट आ रहा है। जो करी है उसकी बात कर रहा हूँ, आलू की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल सही है। आज का नाइट स्टे हमारा अनिनी में है और अगले हमारे को 2 दिन और अनिनी रहना है। मैं टोटल 3 रात हम अनिनी में प्लान कर रहे हैं, आज कल और परसों। आज का दिन तो चलो पहुंचेंगे ही, मेन है कल और परसों, हमें 2 पूरे दिन मिलेंगे वहां पे। 100 किलोमीटर का हमने सफर कर लिया अभी तक, 50% नहीं हो पाया, 230 किलोमीटर है टोटल। तो यानी अब थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 50% जर्नी हो चुकी है और टाइम हो गया है 1:10। गाड़ी क्या स्पीड पे चला रहे हो? 40-45। तो अब शुरू के 40 किलोमीटर तक डबल रोड थी, बहुत गुड क्वालिटी रोड, और उसके बाद से सिंगल रोड चल रही है, और सिंगल रोड में भी अच्छी रोड है। ये है कि ये इस एरिया में बरसात काफ़ी होती है तो थोड़ा थोड़ा पैचेस कहीं बन जाते हैं गड्ढे से, लेकिन वो इतने नहीं है कि जिसको आप गड्ढे कह के बोलो, बड़े माइनर सा जैसे आमतौर पर हिल्स में होता है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि रोड को लेके कोई शिकायत नहीं है। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र मेन एपिसोड करा था, सिर्फ कुरुक्षेत्र का अपना कोई बीटीएस, उसमें वो कंफ्यूजन हो रही थी। अब सॉर्ट आउट हो गया? आप भी? हाँ हो गया, हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, अचानक थोड़ा सा नेटवर्क मिला तो मैंने कहा यार अभी फिर तुम्हारा फोन आएगा गड़बड़ हो जाएगी फिर से, तो गाड़ी रोक ही ली हमने। चलो बाय। ट्रैवल करते समय ना ऑफिस में हमारी क्या एक्टिविटी चल रही है उस पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो क्योंकि एडिटिंग में ना पूरे हो ही नहीं होते, मतलब कुछ एडिट पेंडिंग होती है ना। अब जैसे मैंने मान लो 14 डेज का टूर बना लिया या 13 डेज का बना लिया, उस दौरान में 3 वीडियो आने हैं या 2 वीडियो आने हैं, साथ में BTS एपिसोड अलग से आने हैं, तो कोऑर्डिनेशन टीम के साथ चलती रहती है। ये भी एक एक्टिविटी है ट्रैवल करते समय जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है, चलो पार्ट ऑफ आवर वर्क। अब खोल ही लिया तो हल्का सा इंस्टाग्राम मैसेजेस भी देख ही लेता हूँ, कोई नया मैसेज नहीं है। बहुत बार क्या होता है ट्रैवल करते समय ना किसी सब्सक्राइबर का मैसेज आ जाता है कि भाई आप इधर हो, मैं भी इधर आ रहा हूँ या मैं भी इधर हूँ, तो बड़ा अच्छा हो जाता है कि उनसे अचानक आपने मिल लिया, तो ये भी मेरे को मतलब एक्साइटमेंट रहती है। अब यहाँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई सब्सक्राइबर मीटअप होगी, क्योंकि यहाँ तो अनिनी में टूरिस्ट बड़े लिमिटेड आ रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सफ़र करते करते किसी का मैसेज आ जाता है अचानक कि भाई मैं इसी रास्ते में हूँ, तो बड़े खुशी होती है। अच्छा यार एक बात और डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ, अभी हम लोग 4 दिन बाद पहुंच जाएंगे वापस। हाँ जी, 4 तो नहीं 5 दिन बाद पहुंच जाएंगे वापस। तो वापस जाने के बाद आगे के टूर को लेके ना, जैसे मैंने पहले बताया था ना, मैं डबल माइंड हो रहा हूँ कि बैक टू बैक बनाऊँ या थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ। अगर हम बैक टू बैक बनाते हैं तो आप मिनिमम कितने दिन के लिए घर जाना चाहोगे, मैं उस हिसाब से फिर सोच बनाता हूँ। मान लो अगर मैं सोचूं कि थोड़ा बीच में ब्रेक, कम से कम ब्रेक लेनी है, तो कितना आपको टाइम चाहिए? सर 4-5 दिन। 4-5 दिन? हाँ जी। ठीक है चलो, मैं उसको ध्यान में रखते हुए ना 2-3 ऑल्टरनेट सोच के रखता हूँ। वैसे फिलहाल बताऊँ मेरे माइंड में क्या है। हाँ जी, एक ये है कि हम लोग तेलंगाना जाएं। आप लोग वैसे गया कोई आप में से कोई पहले आज से? तुम गए हो क्या? हाँ। किस तरफ? हैदराबाद। हैदराबाद गए? अच्छा, तो एक तेलंगाना मेरे माइंड में है। सेकेंड चॉइस के तौर पे मैं सोच रहा था कि हम अगर नेपाल का टूर बना लें, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ना इस बार लंबा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 7-8 दिन का हमारा प्रोग्राम बने और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएं। ये लॉन्ग टूर जैसे पहले करते थे ना 15-15 दिन के, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 7-8 दिन का बनाओ वापस आ जाओ। जैसे इस बार भी हम छोटा ही बना रहे हैं ना, एक तरह से 8 दिन का बना रहे हैं,
नागालैंड जोड़ लेंगे तो 10 दिन हो गया। और तीसरी ऑप्शन मेरे माइंड में है कि हम जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश में गए थे और हम लोग उस समय भोपाल गए थे, हाँ जी, तो मध्य प्रदेश में भोपाल वाला रूट तो हो गया हमारा, हम लोग चले जाएं इंदौर से महेश्वरी, ठीक है, तो वहां पर एक छोटा टूर बन सकता है, हम ओमकारेश्वर वगैरह जोड़ लें। तो अगर एक तो ये चलो बात होगी छोटा, अगर हम लोग अभी नहीं बनाते 3-4 दिन के गैप के बाद तो फिर सोचते हैं। वैसे मेरे को पर्सनली मेरे माइंड में बताए एक डेस्टिनेशन बहुत दिनों से है, मैं ऑलरेडी 2-3 बार पहले बता चुका हूँ, ये है कीनिया जाना चाहता हूँ मैं। अभी कीनिया का ना पीक टाइम चल रहा है और ये चलेगा 1 महीना और, मतलब अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन कीनिया में चक्कर क्या है कि कॉस्ट ट्रैवल की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर होटल बड़े महंगे हैं, मतलब हर लिहाज से वो कंट्री महंगी है, और वहाँ जाके जंगल सफारी वगैरह आप करो तो मतलब मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन कह लो फॉरेस्ट को लेके कीनिया है। तो एक मेरे माइंड में चीज आ रही है, अगर हम चारों ना चलकर सिर्फ मैं एक जन को ले जाऊं कीनिया जी, मतलब कॉस्ट के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं बोलूंगा मेरे लिए फाइनेंशियल वाइबल होगा, क्योंकि फाइनेंशियल वाइबल तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वही देश अपने आप में महंगा है, टूरिस्ट के लिए तो एक्सपेंसिव है और स्पेशली इस टाइम पे तो है। तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, और अगर मैं सोचूं हम चारों जाएंगे तो शायद मैं टूर कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब वो डिले होता रहेगा ना, अगले साल सोचता हूँ समय निकल गया। क्या बोलते हो आप तीनों इसके ऊपर? हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये इतने शॉर्ट नोटिस में तो नहीं होगा, लेकिन अगर हमने गैप ले लिया थोड़ा सा तो ये चार चीज डेस्टिनेशन मेरे माइंड में घूम रही है। एक सर लक्षद्वीप को भी माइंड, लक्षद्वीप माइंड में बिल्कुल है, उसके लिए यार वो ना क्या बोलते हैं उसको पुलिस वेरिफिकेशन में पीसीसी निकलवाना पड़ता है, तो पीसीसी हाँ चलो एक काम करते हैं, लक्षद्वीप भी अच्छा डेस्टिनेशन है, वो कम समय में हो सकता है, वापस जाके ना हम लोग 2-3 दिन में इसको फाइनल कर लेंगे। लक्षद्वीप जाने के लिए ना मैं भी अपना पीसीसी निकलवाता हूँ, आप लोग भी पीसीसी निकलवाओ, ये डिस्कशन फाइनल कर लेंगे हम कि करना ऐसा कि नहीं करना, बट ये ध्यान में रखना पंकज भाई। ओके नहीं ठीक, क्लियर, वो भी बोल रहे थे आप पंकज भाई को या तो जंगल सफारी देखनी है या पंकज भाई को वाटरफॉल देखना है, दो ही चीज पसंद है। और कितने फीट से वाटरफॉल दिखाई देगा तो आप खुश हो गए? 150 फीट, मतलब नाप क्या रखा होगा कि 150 फीट से वाटरफॉल दिख जाए तो मैं खुश हूँ, और 150 फीट से अगर आपको 2 दिख जाए तो कितना खुश होगे? तो बहुत ज्यादा सर। और 5 दिख जाए तो मजे ही मजे। अच्छा इस जगह ना एक चीज बड़ी खास है कि जितने भी पहाड़ है ना सारे पेड़ से कवर्ड है, पूरी ग्रीनरी है। रोइंग से जो अनिनी तक का सफ़र है ना 6 से 6.5 घंटे में आसानी से किया जा सकता है, हमारे को ज़्यादा समय लगता है क्योंकि हॉल्ट भी ज़्यादा होते हैं हमारे और लंबे लंबे हॉल्ट होते हैं। ये जो जर्नी है ना है बड़ी मज़ेदार, इसको डिटेल में हमने ना YouTube चैनल वीज़र टू एक्सप्लोर में दिखाया है, उसको आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ हॉल्ट लिए। कोई स्पेसिफिक हॉल्टिंग पॉइंट्स नहीं है, जहाँ पर आपको अच्छा लगे गाड़ी रोको और नेचर को इन्जॉय करो, तो नेचर आपको बड़ी प्योर फॉर्म में इस रूट पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब आपसे हम ना कुछ देर बाद मुलाकात करते हैं, एक बार हम अनिनी पहुंच जाए, वहां पर हमने रहने की बुकिंग मिशमी रिजॉर्ट में करवाई है। खाना आने में 5-7 मिनट का टाइम है, मैंने कल और परसों का मोटा मोटा प्लान बता देता हूँ, डिटेल में तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ना 2 वैलीज हैं, एक को माथू बोलते हैं एक को ड्री बोलते हैं। यहाँ से एक वैली जाने के लिए 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरी जाने के लिए 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है, मतलब अलग अलग दिशा में है, ठीक है। जो वाटरफॉल्स जो पिछले 3 दिन से आप देखना चाह रहे हो वो परसों दिखेंगे, कल नहीं दिखेंगे इस बारे में। और पढ़ तो लिया भाई आपने सारा? हाँ जी अभी सुन रहा था मैं। ठीक है, तो ये वाटरफॉल ड्री वैली का पार्ट है, तो इसके अंदर गाँव का विजिट भी होगा, लोकल घर भी देखेंगे, वाटरफॉल्स भी देखेंगे, और 62 वार के समय क्या क्या चीज़ें हुई वो भी देखेंगे। साथ में मैंने विलेज एक यहाँ पे भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा है, यहाँ पे वैली मतलब ओपन ग्रासलैंड एरिया कैसा है माथू वैली का वो भी देखेंगे जी। तो और साथ में यहाँ पे मैंने कुछ लोकल टेक्सटाइल होता है यहाँ का उसके ऊपर भी लिखा है कि हम वो भी जाके विजिट करें। और साथ में अभी कैसे यहाँ पे तो हमारी अकोमोडेशन हो गई, चांस की बात अगर नहीं होती तो हमें भी कुछ दूसरी अल्टरनेट देखनी पड़ती है जी। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे और जो लोकेशंस हैं रहने की, होम स्टे हैं या दूसरे गेस्ट हाउसेज हैं,
उनको भी विजिट करके उनका भी बजट का आइडिया ले लें क्या कॉस्ट है। कल का दिन तो ज्यादा हेक्टिक नहीं है, सुबह 8 बजे निकलेंगे, शाम को हम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, या तो अंधेरा हो जाता है 5 से 5 बजे। और परसों का दिन हम लोगों को 6 बजे शुरू करना पड़ेगा, उस दिन ज्यादा है एक्टिविटी ज्यादा है, और ऊपर से वाटरफॉल है, और वाटरफॉल तो फिर टाइम ले गए, मेरे को पसंद ही इतने, मेरे सबको पसंद है, मैं अकेला क्या, हर किसी को मन होता है वाटरफॉल आ गए तो वहीं बैठ जाओ। और वो कह रहे हैं कि 15 से 20 वाटरफॉल है एक ही एरिया के अंदर, और जिसमें से मैक्सिमम गाड़ी पे जाया जा सकता है, और 2-3 है जिसको ट्रैक करना पड़ता है 15-20 मिनट का शॉर्ट ट्रैक, तो उसमें से सारे पे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन सिलेक्टिव देख लेंगे कहाँ पर हमारे को इस हिसाब से ठीक लगता है। स्नो व्यू तो नहीं हो? नहीं, वो सब वो व्यू नहीं है, सर्दियों में अलग एनवायरनमेंट होता है, अभी तो सितंबर मंथ है ना, तो सिस्टम अलग है। तो एनीवेज मैंने मोटा मोटा समझा दिया, खाना खाने के बाद इसकी फोटो लेकर रख लेना अपने पास जी, ठीक है। डिनर में ना 3 चीज मंगवाई है, एक तो मिक्स वेज है, ये मंगाई है हमने चना दाल, ठीक है, और साथ में मंगवाया मटर पनीर, वेरी गुड। लो भाई साहब स्टार्ट करो, लो लो। हाँ जी, टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, 9:15 का टाइम हो गया। ये भी देखो अपने आप में बड़ी बात है कि हमारे को इतने इंटीरियर में ये फैसिलिटी मिल रही है, क्यों सही बात। चाइनीज फूड को लेके एक लोग कह रहे थे अभी जल्दी बन जाएगा, अगर आपने चाइनीज खाना है तो, अब हमारा मन था कि नॉर्थ इंडियन खाएं तो थोड़ा बेटर रहेगा। ब्रेकफास्ट सुबह यहाँ पे मिलते 8:30 बजे, और कल हमें निकलना 8 बजे, तो इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें कम से कम 7:45 तक कुछ ना कुछ तो खिला दो, होपफुली मना नहीं करेंगे। सही है, बाकी फूड सही है, ये कि मेरे को तेल पे बड़ा ज़्यादा आजकल भरेज रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ तेल कम हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तेल मेरे को दिख रहा है। चलो आज का ये हमारा छोटा सा एपिसोड इधर ही फिनिश करते हैं, कल और परसों हम 2 दिन यहीं पर हैं, इस पूरे रीजन को घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे, ये हमारा अगले 2 दिन का प्लान है। अभी के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।